भारतीय जीवन बीमा निगम के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम यानी कि आईपीओ में विदेशी संस्थागत निवेशकों को 20% हिस्सेदारी दी जा सकती है, जिसका विचार मोदी सरकार कर रही है। वहीं न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने एक वरिष्ठ सरकारी सूत्र ने बताया है कि इस वित्त वर्ष के अंत यानी कि जनवरी से मार्च तक LIC का आईपीओ लाने के लिए जोर शोर से तैयारी चल रही है। यह भारत का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ हो सकता है और इसीलिए LIC कम से कम 90,000 करोड़ रुपए जुटा सकती है। वहीं अब सरकार सूत्रों का कहना है कि इस आईपीओ में ऑफर होने वाला शेयर का कम से कम 20% हिस्सा विदेशी संस्थागत निवेशकों को दिया जा सकता है। सरकार LIC की ज्यादा से ज्यादा 10% हिस्सेदारी बेचने के लिए आईपीओ लाने की तैयारी कर रही है। अभी इसमें सरकार की 100% हिस्सेदारी है। उधर LIC से जुड़े कर्मचारी यूनियन ने इस आईपीओ का विरोध किया है। ऑल इंडिया LIC एम्प्लॉयज फेडरेशन के महासचिव राजेश कुमार ने कहा है कि आईपीओ के बाद LIC का फोकस लोगों के निवेश पर ज्यादा से ज्यादा मुनाफा देने पर हो सकता है, बजाय अपने पूर्व निर्धारित लक्ष्य। के कुमार ने कहा कि LIC का गठन ग्रामीण, सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को बीमा सुविधाएं प्रदान करने के लिए हुआ था। इस ट्रेड यूनियन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सांसदों को लेटर लिखकर LIC की लिस्टिंग का विरोध किया है।